आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिला के थावे थाना की पुलिस ने अपहृत 2 वर्ष के बच्चा को महज 48 घंटे के अंदर थावे थाना क्षेत्र से बरामद किया है। बरामद किए गए बच्चा को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वही इस मामले में पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अपहृत बच्चा थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला निवासी धनंजय बांसपुर के 2 वर्षीय बेटा कृष्ण कुमार के रूप में की गई। आपको बताते चले कि 19 अक्टूबर 2024 को थावे थाना क्षेत्र से 2 वर्षीय बच्चा कृष्णा को अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उसके पिता धनंजय बांसपुर ने थावे थाना में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस दर्ज मामले के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया। कांड के त्वरित उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम, थावे थाना टीम एवं डीआईयू टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कृष्णा कुमार को सकुशल वापस कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं इस कांड में संलिप्त अपराध अभियुक्त थावे थाना के बेडू टोला गांव निवासी स्वर्गीय शंकर शाह का बेटा संजय शाह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि पूछताछ के क्रम में अभियुक्त संजय शाह द्वारा बताया गया कि 80,000 रुपये में थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव निवासी पुतुल देवी को बेचने के लिए बच्चा का अपहरण किया गया था। हालांकि महिला अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। वहीं संजय शाह के निशानदेही पर इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। थावे थाना अंतर्गत कुछ दिनों पहले एक बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कि थावे थाना अध्यक्ष और अन्य टीमों के साथ मिलकर सकुशल बच्चे की बरामदगी कर ली गई है और साथ में जो अपहरण करता था, जो बच्चे को अगवा किया था, उसको भी अरेस्ट किया गया है और उसके पूछताछ पे ये बात पता चली है कि बच्चे को वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था, महिला को बेच दिया था 80,000 रुपये में, और उसके निशानदेही पे अन्य जगहों पे भी छापेमारी की जा रही है और बच्चे को बरामद सकुशल कर लिया गया है। बरामदगी उसकी थावे थाना अंतर्गत से एक जगह से हुई है और इस पे पुलिस लगातार लोगों को ये बात बता रही है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसी जगहों पे ले जाएं तो सतर्क रहें और छोड़ के कहीं ना जाएं। ऐसे ग्रुप बीच बीच में गोपालगंज में सक्रिय देखे जा रहे हैं। लोगों से यही अपील रहेगी कि सतर्क रहें। इस मामले में अभी तक तुरंत बोल पाना जरा जल्दबाजी होगी। इसमें पूछताछ की जा रही है, इसमें कोई भी अहम सुराग मिलेगा या फिर इसके बारे में जानकारी होगी कुछ भी तो मीडिया को इसके बारे में सूचित किया जाए। तो बेचने के लिए क्या वैसे बच्चे को जो निसंतान को बेचे थे या फिर इसका कुछ और प्लानिंग था, कुछ बताया? जब तक वह महिला या वो ग्रुप ना पकड़ा जाए तब तक कुछ बोल पाना जरा जल्दबाजी होगी। एक बार वो महिला या जो लोग हैं इसके पीछे सब अरेस्ट हो जाते हैं तो उसमें जाते हैं। प्रधानमंत्री पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाली शिक्षिका निलंबित हो गई है। आपको बताते चले कि भोरे प्रखंड के जैतपुर प्लस टू विद्यालय की शिक्षिका सुल्ताना खातून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित और भड़काऊ भाषा का प्रयोग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि शिक्षिका से इस मामले में सफाई मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जाँच में आरोप सही पाए जाने पर उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया। गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के मामले का सफल उद्भेदन किया और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर कुचायकोट थाना और उत्पाद पुलिस की संयुक्त टीम ने 20 अक्टूबर 2024 को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में गणेश कुमार, प्रमोद कुमार, धनंजय कुमार, गुड्डू प्रसाद, विशाल कुमार और सुदामा कुमार शामिल हैं, जो सभी गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इनके साथ एक विधि विरुद्ध किशोर को भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से 90 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। धनंजय कुमार के पास एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पूछताछ में धनंजय कुमार ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अन्य 3 साथियों राजेश प्रसाद उर्फ टाइम पास, मिथुन कुमार और प्रमोद कुमार के नामों का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने बिलवनवा गांव में छापेमारी करते हुए चोरी की गई वेल्डिंग मशीन, ग्रेडर मशीन और बैटरी को बरामद किया गया। इस दौरान मिथुन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया।
सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बगवार गांव में मछली पकड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 20 अक्टूबर 2024 की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि गंडक नदी के जलाशय पर अधिकार को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है। इस बार मारपीट और गोलीबारी के दौरान कुछ लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति को गोली लगने की बात सामने आई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें भोला सिंह उर्फ नीतीश कुमार, जनार्दन यादव उर्फ बिट्टू यादव, ब्रजेश कुमार बैठा, अशोक सैनी, दूसरे पक्ष से शत्रुधन सैनी, कृष्णा सैनी, कन्हैया सैनी। गिरफ्तार सभी लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड नियर चिराई घर, गोपालगंज। समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन आई प्लस में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रूपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रूपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। दो लेंस और दो फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट, तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, डीएवी स्कूल के सामने, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे सातों दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड नियर होटल रालसन, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन, CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोर, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं, रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शिशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे सातों दिन, मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।
पंचदरी प्रखंड के जमनाहा बाजार मंगलवार को बाजार के व्यवसायी बैंक CSP ज्वेलरी दुकानदार संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुकानों की सुरक्षा, मोटी रकम लेन देन करने वाले ग्राहकों की सुरक्षा एवं छिनतई की घटना पर अंकुश लगाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पंचदरी पिकेट प्रभारी राजेश कुमार राय ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में CCTV कैमरा लगाने, गार्ड रखने व प्रतिष्ठानों के आसपास की लाइट को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। दुकान के सामने फुटपाथ पर फल व सब्जी दुकान लगाने वाले सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखने को कहा गया। रस्क ड्राइविंग, बाइक पर ट्रिपल लोड, नाबालिग के वाहन चलाने, बाइक से स्टंट बाजी करने पर अंकुश लगाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि नाबालिग के वाहन चलाने, विचलित ड्राइविंग व स्टंट बाजी करते हुए पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पूर्व मुखिया बलराम सिंह, सुनील गुप्ता, जयराम गुप्ता, पप्पू गुप्ता, सन्नी मदेसिया, सम्मी सिंह, राहुल सिंह अंसार अंसारी, फतेहलाल वर्मा, सुनील वर्मा, अजय शाह, जिमी जायसवाल, सत्यम सिंह, गोविंद वर्मा, भवानी वर्मा, विकेश गुप्ता, विकास वर्मा, टेनी केसरी, अंशु केसरी, रामा बाबू केसरी, जितेंद्र वर्मा, राजन जायसवाल, प्रमोद जायसवाल आदि थे। गोपालगंज के सदर प्रखंड के तुरकहा स्थित AIM पाठशाला में मंगलवार को छात्रों के बीच पाठ सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर कॉपी, किताबें और पेन वितरित किए गए, जिसमें बच्चों की पढ़ाई में सहायता मिलेगी। समाज सेवी अनस सलाम ने बताया कि इस पाठशाला में लगभग 50 से 60 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें प्रतिदिन 2 घंटे के लिए शिक्षक पढ़ाती हैं। एम पाठशाला की स्थापना करीब 6 महीने पहले गरीब परिवारों के बच्चों के लिए की गई थी। शुरुआत में बच्चों की पढ़ाई में रुचि कम थी और उन्हें एकत्रित करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रतिदिन शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, जिनसे बच्चों का उत्साह बढ़ा है। अनस सलाम ने कहा कि उनकी एवं अधिकारी की टीम विजय कुमार IR, TS, संतोष कुमार IS, MD मुस्ताक IPS, सुमित कुमार राय IS की कोशिश है कि आसपास के सभी बच्चे इस पाठशाला तक पहुंचे और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के लिए बेहतर पोशाक और अन्य आवश्यक सामग्री का प्रबंध किया गया है, ताकि वे शिक्षित होने के साथ साथ आत्मविश्वास भी विकसित कर सकें। समाज सेवी ने अपने सामाजिक कार्य को जीवन का प्राथमिकता मानते हुए कहा कि वे शिक्षा के इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहेंगे। उनका उद्देश्य केवल पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना भी है। इस प्रकार IMM पाठशाला न केवल शिक्षा का माध्यम बन रही है, बल्कि ये बच्चों को नई दिशा और अवसर भी प्रदान कर रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझागढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने की। बैठक में बीते सप्ताह स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा किया गए कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए कि वे समय पर सुबह 9 बजे बायोमेट्रिक सिस्टम से अपनी उपस्थिति दर्ज करें। डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने टीकाकरण की 100% लक्ष्य को पूरा करने और डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि वे क्षेत्र में डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाएं और टीकाकरण को समय पर पूरा करें। बाजार सुरक्षा समिति गठन को लेकर माझागढ़ थाना अध्यक्ष संग्राम सिंह ने माझागढ़ बाजार के व्यापारियों के साथ संवाद किया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार धनतेरस, दीपावली, छठ और वैवाहिक आयोजनों के दौरान बाजार में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए ये बैठक आयोजित की गई। सोमवार की देर शाम थाना अध्यक्ष ने व्यापारियों के साथ बैठक कर बाजार की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना अध्यक्ष संग्राम सिंह ने बताया कि बाजार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाजार सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 5 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। समिति का एक सदस्य अध्यक्ष चुना जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से प्रशासन का सहयोग करने और बाजार में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। साथ ही सभी व्यापारियों को अपनी दुकानों और दुकान के बाहर CCTV कैमरा लगाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बाजार के संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाने का भी आश्वासन दिया। बैठक में प्रमुख व्यापारियों में रवि कुमार, अमरजीत सोनी उर्फ लड्डू सोनी, मनीष कुमार, अकबर अली, संतोष गुप्ता, वीरेंद्र शाह, किशोर शाह, गणेश शाह, सत्येंद्र, पंकज सोनी सहित कई अन्य व्यापारी मौजूद थे। इस मौके पर अपर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार भी उपस्थित थे। गोपालगंज में 23 से 25 अक्टूबर 2024 तक पासपोर्ट सेवा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन
23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS द्वारा कौशल विकास केंद्र समरालय परिसर में किया जाएगा। ये कैंप पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर मोहम्मद रियाज नाजमी और उनकी टीम शामिल होगी। इस कैंप का उद्देश्य पासपोर्ट आवेदन जमा करने की सुविधा लोगों के नजदीक उपलब्ध करना होगा। कैंप में नए फ्रेश और पुनः निर्गम रीइश्यू पासपोर्ट की आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। हर दिन 50 अपॉइंटमेंट स्लॉट दिए जाएंगे, जिसके लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन और अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, बिजली बिल, वोटर आईडी, पासबुक आदि शामिल हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता का पासपोर्ट मान्य होगा। इस कैंप में PCC और बिना अपॉइंटमेंट के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आवेदक www.passportindia.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के द्वारा जिले में लंबे समय से तैनात पुलिस पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतर किया गया है। इस क्रम में माजागढ़ थाना के पुलिस अधिकारी मुकेश कुमार टू को बैकुंठपुर थाना में अपर थाना अध्यक्ष के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं माजागढ़ थाना के दूसरे पुलिस अधिकारी सोमदेव कुमार झा को बैकुंठपुर थाना में स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा माजागढ़ थाना की पुलिस अधिकारी सत्यम प्रसाद को ठावे थाना में अपर थाना अध्यक्ष के पद पर स्थानांतरित किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा उठाए गए इस कदम से अपराध पर नियंत्रण पाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद है। साथ ही जो पुलिस अधिकारी अपने कार्य में सक्रिय थे, उन्हें प्रमोशन भी दिया गया है, जिससे पुलिस अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।